हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपका स्वागत करती हूं और मैं बोल रही हूं अंजना जलाई फेस्टाइल से। हमारे बैंगन के पौधे में देखिए कितने सारे बैंगन निकले हुए हैं। अभी तो बहुत छोटे छोटे से हैं, पर इसे जो भी थोड़े से बड़े होंगे तो मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ग्रो बैग में लगे हुए बैंगन के पौधे में इतने अगर एक बार निकले हुए हैं तो सारे बैंगन बड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनको बड़ा होने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो मैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो डाल रही हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह भी डाल दी हूँ, और इधर मैं मूँगफली थोड़े से डाल के देख रही हूँ। मैं पहली बार मूँगफली ग्रो करके देख रही हूँ। थोड़ा सा इसको अंदर कर दे रहे हैं, नहीं तो आजकल हमारे गार्डन में चूहिया आ गई है और जो भी बीज डालते हैं सारे चूहिया रात में खा जाती है। बिल्कुल मिट्टी उधरा उधरा सा लगता है देखने में, उसमें कुछ भी नहीं होता है, सारे बीज बीन्स वगैरह थे तो सारे बीज खा ले, मेरा एक भी बीन्स नहीं निकला। और इधर जो मिट्टी फैलाए हुए थे तो ये सारे मिट्टी को मिला के तीन ग्रो बैग में भर लिए। 2 18 बाई 18 का है और एक मेरा 24 इंच का ग्रो बैग में है, और एक मिट्टी जो मेरे बचे हुए थे इसको भी आज मैं फैला दी। और फ्रेंड्स, लक्ष्मण रेखा से खींच दी हूँ, जो भी 2 4 चींटी निकले तो। और इधर एक तरवरिया सिम करके एक फ्रेंड्स ने हमें बीज दिए हैं, और देखने में तो सेम की तरह ही है लेकिन इसके साइज बहुत बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने बोला है जो बहुत बड़े बड़े इसके सेम जैसे होते हैं, सेम ही होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और एक एक रूट जैसा दिए हैं। बोली हैं जो इसके नीचे रूट की भी सब्जी होती है, इसको छील के बनाने में बिल्कुल गरम मसाला वाला सब्जी बहुत टेस्टी बनता है और ऊपर आलू के तरह निकलता है। तो मैं लगा के देखती हूँ मेरे ग्रो बैग में होगा या नहीं। एक कंद की तरह है तो मैं मछली वाले पेटी में इसको लगा दे रही हूँ। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, कैसे इसके पत्ते होते हैं, कैसे इसके पौधे होते हैं, उन्होंने कहीं से लाके दिए हैं तो मैं लगा दे रही हूँ। और इधर देखिए, और इसमें अच्छे से पानी भी दे दे रहे हैं। आज हमें बहुत सारे काम करने हैं, और देखिए यहाँ सारे जो हमारे कुंदरू के बेल थे सारे को कट कर दिए, क्योंकि अब कुंदरू निकल नहीं रहा था तो कट कर देंगे तो नए ब्रांचेज इसमें से निकलेंगे, और नए ब्रांचेज निकलेंगे तो उसके अच्छे उसमें फल निकलते हैं। पुराने वाले अगर ब्रांचेज रह जाते हैं तो उसमें फल जो बाद में निकलते हैं थोड़े से छोटे छोटे फल हो जाते हैं, तो जब भी सीजन लास्ट हो जाए तो उसका बिल्कुल ब्रांच को आप काट दीजिए। और इधर मैं ये शाक का पौधा देखिए, मैं कटिंग लाई थी और इसको पानी में डाल दी थी लेकिन आलस से मैं नहीं लगा पाई, नीचे रखे हुई थी। और यह है साग, यह है कर्मी का साग, तो इसको भी आज लगा दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे ब्रांचेज निकले भी थे पर वो बहुत गल गए, लेकिन फिर भी ये जिंदा हो जाएंगे क्योंकि नीचे जो रूट निकला हुआ है तो उसमें जो छोटा छोटा सा ब्रांच है वो बिल्कुल हरा है तो ये लग जाएगा। इसके तो थोड़े से भी आप कटिंग ले आए और कहीं भी लगा दें तो आसानी से ये कर्मी का साग लग जाता है। देखिए कितने सारे रूट इसमें निकल गए थे। इतने छोटे से भी आप कटिंग लाके लगा दीजिए तो लग जाता है। कर्मी का लगाने में ऐसा कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है जो ये मैच्योर ब्रांच हो, छोटे से भी आप कहीं से ले आइए और लगा दीजिए तो लग जाता है। और देखिए परवल का पौधा लाई तो एक तो मेरा अच्छा है और एक मेरा सूख गया, पर मैं लगा दे रही हूँ। देखिए ब्रांचेज हरे थे पर सूख गए,
तो आज परवल भी मैं लगा दे रही हूँ, और इधर हमारे लौकी का बेल है, सॉरी लौकी का पौधा, और इसमें कुछ टमाटर भी लगे हुए हैं, तो इसको भी आज बहुत सारे गार्डन में आज बहुत सारे काम करने पड़े, तो ये कुछ इधर टमाटर भी इसमें लगा देते हैं और लौकी को भी ट्रांसप्लांट कर लेंगे। हमारे गार्डन में बिल्कुल अभी कोई भी पौधा नहीं है, वही दो चार बैंगन, सिंगरी और एक सेम का पौधा है, और ये देखिए इसको भी मैं लगा दे रही हूँ। इतने बड़े सेम होते हैं तो हमारे ग्रो बैग में आएंगे भी या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं लगा के देखूंगी। और देखिए इसमें बैंगन का जो डाले छोटा छोटा सा निकल रहा है बैंगन का बीज, और मैं दिखाती हूँ। मैं ये हमारे किचन में टमाटर समझिए उगल गए फ्रिज में रखे, तो इसको मैं फेंकने ही जा रही थी, कचरा में डालने जा रही थी, तो मन में हुआ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके बीज भी जो मैं अभी टमाटर लगाई हूँ बिल्कुल सड़ा हुआ टमाटर का बीज था, और बहुत ही अच्छे पौधे निकले उसमें से, सारे बीज से पौधे निकल गए। तो देखिए आज इसका भी बीज गिरा के दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा से निकल जाता है बीज। जो भी बीज है सारे को मैं मिट्टी में डाल दे रही हूँ कुछ इस तरह, और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, थोड़े से मोटा लेयर दे रहे हैं क्योंकि वही चूहिया सारे बीज खा जाएगी, तो हम इंतज़ार ही करते रह जाएंगे जो बीज निकले, प्लांट हमारे निकलेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और एक छोटा सा कमेंट्स कीजिए, आपका एक कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाता है। और देखिए सेम में भी अब फूल निकल रहा है, सेम में ब्लैक एफिड्स का बहुत ही अटैक होता है, सेम लगाने थोड़े से टफ काम है क्योंकि बहुत सारे उसमें कीड़े का अटैक हो जाता है, तो बहुत केयर करने पड़ते हैं, और मैं लगातार इसमें